अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे तो भैया सब ठीक ठाक है? कैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी, बड़ा कोशिश है तो खैर की कोशिश, खैर की कोशिश, और क्या खूबसूरत कोशिश है माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे इसको। अच्छा जी, ये हम कासम अली शाह फाउंडेशन में आ गए, बिल्कुल ठीक है। तो शाह जी, हम देखना चाहेंगे आज मोर देन वेलकम जी, आप फाउंडेशन आए हैं और ये फाउंडेशन के लिए बड़ा एजाज़ कि मेरे एक बड़े प्यार वाले दोस्त भाई और एक इतना खूबसूरत सोशल मीडिया और एजुकेशन में इतना काम करने वाला ग्रुप यहाँ पर मौजूद है। आइए मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर आपके साथ करता हूँ। अच्छा सर, ये हमने सूफी साहब शुरू किया, आइडिया ये था जी कि मेरी जो जिंदगी में पहली इंस्पिरेशन थी, प्रॉपर इंस्पिरेशन जिसको पढ़ के जान के मैं इंस्पायर हुआ जी, वो वासिफ अली वासिफ की इंस्पिरेशन, वासिफ अली वासिफ साहब की इंस्पिरेशन उनकी किताबों से, उनकी कैसेट्स उस टाइम होती थी तो इंटरनेट पे सबको गुफ्तगू आ चुकी है, तो उनकी बातें, उनका कलाम, उनकी पोइट्री, उनके कह लिए मेरे लिए निसाब था। अच्छा, ये अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे जो जा रहे हैं, यहाँ क्या आप लोग करते हैं, क्या फंक्शनैलिटी है? ये इदारा एक प्लान्ड क्या लीजिए ट्रेनिंग सेंटर है। अच्छा, ट्रेनिंग सेंटर है, और ये ट्रेनिंग सेंटर कोई टेक्निकल स्किल्स या हार्ड स्किल्स का नहीं है जी, जैसे आप कोई सिविल इंजीनियरिंग की चीज़ें सिखाई जाती हैं, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड सिखाई जाती है, ये सॉफ्ट स्किल्स सिखाता है, बल्कि मिडिल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों सिखाता है। मोहब्बत है सर आंखों पे, लेकिन मैं बड़ा अजीब सा बंदा हूँ, ये हमारी एक वॉल है जी। मैं समझता हूँ कि सोसाइटी की ऑक्सीजन लिटरेचर होता है, दानिश्वर होता है, तो ये हमारा कह लीजिए जो लिटरेचर प्रोड्यूस करने वाले वो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनमें हयात जो है जिंदा है वो तीन है, बाकी सब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। ये इस हिस्से की फंक्शनैलिटी क्या है यहां, क्या सर ये मल्टीपर्पज जगह है, ये वाला एक जो हॉल जिसमें हम खड़े हैं, ये किताबों की तकरीब रुनमाई पर भी इस्तेमाल हो, बाजू का फूड कोर्ट के तौर पर इस्तेमाल हो, वेटिंग एरिया के तौर पर इस्तेमाल हो जाता है, फोटोशूट्स में हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, और प्रोडक्शन करनी है क्योंकि कॉर्नर्स बने हुए हैं, आप देखें कहीं रिकॉर्डिंग करनी है किसी एक कॉर्नर पर कर सकते हैं। अच्छा, ये सूफी साहब बड़ी कमाल की एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो सारी कोटेशन हैं जो हम अपनी डायरियों में बचपन से लिखते हैं, तो ये सारी कोटेशन इकट्ठे करते 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 ख्वाब था कि कभी हमें अल्लाह मौका देगा हम इन कोटेशन को दीवारों पर लगा देंगे। आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे आते हैं और यहाँ तस्वीर बनाते हैं, सेल्फी बनाते हैं, वो भी प्लान्ड, वो भी सारे तैयार रहते हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं। ये सर, ये हमारा कह लीजिए सर एक सारा फीमेल सेक्शन है, तशरीफ रखिएगा जी, तशरीफ रखिएगा। ये सब के सब कह लीजिए सर रिसर्च कर रहे हैं साइकोलॉजी पे, ब्लॉग्स लिख रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, कोई कंटेंट पे टीम मेरी काम कर रही है, और ये हमारी फीमेल टीम है, यहाँ तीन लोग हैं, सबीन है, मैडम सुफिया सुहेल है साइकोलॉजिस्ट हैं, अनम है, अनम मोइन, तो तीन लोग इसको ये मैनेज करते हैं सर। अब ये सुफी साहब हमारा एक कह लीजिए एक अलग ऑफिस है, ये मैनेजेरियल ऑफिस है यहाँ। अब ये किताबें, मजे की बात है कि अगर आपका कैमरामैन किताबों को दिखाए, ये कयूम निजामी साहब ने हमें सारी गिफ्ट की हुई, ये फाउंडेशन को गिफ्ट करने वाले, ये भी एक बड़ी यादगार है कि कयूम निजामी साहब की घर की किताबें, उनकी लाइब्रेरी की किताबें यहाँ पर पढ़ी। मैं कयूम निजामी साहब की मामलाते रसूल से बड़ा मुतासिर। ये सर हमारा एक यहाँ वॉल बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वॉल ये भी कहीं बड़ी बचपन की इंस्पिरेशन है, कुदरतुल्लाह शाह, मुमताज मुफ्ती, बानो कुदसिया, इस सब के सब वो नाम थे जो कहीं हमने इनको पढ़ा और एक तहरीक जरूर पैदा हुई अंदर, एक जज्बा पैदा हुआ इस्लाह करने। ये सर हमारी एक एडिटिंग का रूम है, इसमें पूरी आपका प्रोडक्शन, ये जो आपके वीडियोस आते हैं, टीम के कई लोग हैं, अपने अपने टाइम पे ज्वाइन करते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं, और कोई कह लीजिए डिजाइनर है, कोई इसमें कह लीजिए एनएलई है, वो प्रोड्यूस करता है, को पेज मैनेज करता है, वेंटिलेशन को टॉप प्रायोरिटी पर रखा हुआ है, कहीं पर भी आपकी बिल्डिंग माशाल्लाह। ये
सूफी साहब हमारा एडवर्न अकाउंट है और इसमें आप लोग किसी को देख रहे हो, आपका इशारा किया उसका मतलब एडवर्न होता है। ये एडमिन अकाउंट के लोग हैं सर, ये सारा कोई अकाउंट देख रहा है, उस्मान साहब हमारे फूड को देखते हैं। ये अच्छा सर, हमारा मॉनिटरिंग तीन जगह होती है सर। हमारी पूरी बिल्डिंग जो है वो ट्रांसपेरेंट मॉडल है। इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं भी नहीं कह सकता। ये हमारी रिसेप्शन है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।